फ्रेंड वीडियो को पूरा देखना, इन्वर्टर की वायरिंग सीखनी है तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं। गाइस इस पहले कमरे के अंदर हमें रिक्वायरमेंट है एक ये लाइट, एक ये फैन बॉक्स और एक ये लाइट। इन तीनों को इन्वर्टर कनेक्शन करना है और ये लाइट और ये लाइट इन दोनों को मेन लाइट में रखना है और इस सॉकेट को भी मेन लाइट में रखना है। दूसरे रूम की रिक्वायरमेंट एक लाइट, दो लाइट, तीन लाइट, चार लाइट और एक फैन बॉक्स। इन पांचों पॉइंट को इन्वर्टर में रखना है, इसके अंदर सॉकेट वगैरह नहीं है, डायरेक्ट इन पांचों लाइटों को, पांचों पॉइंट्स को इन्वर्टर से रखना है। तीसरे रूम की रिक्वायरमेंट इन पांचों पॉइंट को इन्वर्टर से नहीं रखना है, इन चारों लाइट और एक फैन बॉक्स को इन्वर्टर से नहीं रखना है और इसकी जो एक सॉकेट आप देख रहे हो इसको रखना है हमें इन्वर्टर से। तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बारिश हो गई थी तो बारिश की वजह से क्या हुआ कि हमारी लाइटों को नुकसान हो गया था, तो इन्हें वापस से सही करना पड़ा। फिर दोबारा से हमें यहाँ पर लाइटों को इंस्टॉल किया था, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी वीडियो थोड़ी लेट हो गई है। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इन्वर्टर की वायरिंग हम आपको सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड है, बोर्ड के अंदर न्यूट्रल फेज, अर्थ और पॉइंट सब फाइनल है, यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है इन्वर्टर का कनेक्शन करने की, तो वो कनेक्शन आखिर होगा कहाँ, तो ये चीज़ जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी होगी, क्योंकि लास्ट तक आप देखेंगे बिना स्किप किए तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो का असली मकसद क्या है। तो गाइस अपने अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, यहाँ पर जितना भी सेटअप मैंने किया था सारी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इन्वर्टर के सॉरी अर्थिंग के और जो भी पॉइंट्स वगैरह के सभी आपको वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 1 mm का वायर यूज़ ले रहा हूँ, अदर कलर जैसे कि बोर्ड के अंदर आपने देखा है कि वाइट कलर का यूज़ है, ब्लैक कलर का, रेड कलर का और येल्लो कलर का, लेकिन यहाँ पर अदर कलर यूज़ लेना है इन्वर्टर के लिए। तो इन्वर्टर के लिए यहाँ पर मैं यूज़ ले रहा हूँ ब्लू कलर का और इसका साइज़ mm जो होगा वो 1 mm होगा, क्योंकि यहाँ पर तीन लाइटें, तीन चार लाइटें और एक फ़ैन और एक सॉकेट है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिंगल 1 mm का, 1 mm का वायर यूज़ ले रहा हूँ। डबल बैटरी वाला सेटअप लगा रहे हो इन्वर्टर और वहां पर आपको लोड ज्यादा देना है आगे, तो आपको 1.5 mm यानी कि 1.5 mm का यहां पर यूज लेना है जहां पर मैं अभी यूज ले रहा हूं। तो गाइस मैंने इन्वर्टर की वायरिंग यहां पर एक सिंगल वायर किया, ये यहाँ पर चार वायर हो गए देखिए ब्लू के साथ में, तो यहाँ से लेकर के सीधा फैन बॉक्स तक बिना जॉइंट किए मैंने इन्वर्टर की वायरिंग को पहुँचाया और यहाँ से लेकर सीधा स्विच बोर्ड तक मैंने यहाँ इन्वर्टर की वायरिंग पहुँचाया। अब ये कनेक्शन कहाँ होगा क्योंकि वहाँ पर कोई जगह ही नहीं है कनेक्शन करने की, तो ये भी आपको हम सिखाएंगे कि कैसे और कहाँ कनेक्शन करना चाहिए। तो तीनों रूम के अंदर गाइस कुछ उसी तरह से करना है जैसे हमने अर्थिंग वायरिंग की थी, सेम टू सेम वही प्रोसेस है, अर्थिंग वायर है वैसे ही इन्वर्टर की वायरिंग भी आपको अलग से ही करनी है। और गाइस यहाँ पर मैं बोर्ड के अंदर भी सेटअप कर रहा हूँ, सब कुछ समझाएंगे। डबल इन्वर्टर लगा रहे हो डबल बैटरी वाला तो आपको 1.5 mm का यूज़ लेना है, सिंगल का लगा रहे तो 1 mm का यूज़ लेना है। तो यहाँ पर तीन वायर अलग अलग बोर्ड में आ गए और तीनों वायर हमारे को एक MCB बॉक्स के अंदर देखने को मिला। तो तीनों वायर हमारी रूम से आ रहे हैं, रूम के स्विच बोर्ड से आ रहे हैं ये तीनों। इन तीनों को छिल करके हम क्या करने वाले हैं, एक जगह करने वाले हैं। इनको एक जगह करने का मकसद ये है कि तीनों रूम के अंदर एक वायर से सारा कुछ लाइन पहुंच जाएगा। मैं यहाँ पर MCB का यूज़ ले रहा हूँ, बहुत कम लोग MCB का यूज़ लेते हैं, ज़रूरी है यूज़ लेना क्योंकि यहाँ से जो शॉर्ट सर्किट होता है कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट अंदर हो गया तो आपके डायरेक्टली MCB के ऊपर असर होगा, ना कि आपके इन्वर्टर पे होगा। हालांकि इन्वर्टर में भी प्रोटेक्शन होता है लेकिन पहले आप MCB बॉक्स में अगर प्रोटेक्शन लगा दें तो आपका इन्वर्टर में कोई भी नुकसान नहीं होगा, ताकि आप इलेक्ट्रिशियन को ना बुलाएं, खुद ही कर लें। तो मैं यहाँ से एक सिंगल वायर लगा रहा हूँ MCB के इनपुट के अंदर, मैंने एक लगभग 2.5 mm का यहाँ पर यूज़ लिया है, 2.5 mm का ज़रूरी है क्योंकि सारे रूम यहाँ से चालू होंगे। और गाइस ये MCB ट्रिप करेगी और अब हम बोर्ड के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आपको सेटअप करना है। तो ये जो मैंने रेड वायर लूपिंग किया था, लूप जैसे यहाँ पर एक ब्लैक है और एक ग्रीन है अर्थ वाला,
और इनको किसी को नहीं छेड़ना है, आपको नॉर्मल छेड़ना है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये येलो वाला ये पॉइंट फैन है, बल्ब है, ये बाकी व्हाइट वाले बल्ब हैं, चार बल्ब एक फ़ैन है। तो इनका मैं कनेक्शन करने वाला हूँ इन्वर्टर का। तो इन्वर्टर कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 पॉइंट है, तो 5 पॉइंट में से मैं क्या करूँगा, 1 2 3, इन तीनों को मैं क्या करूँगा, इन्वर्टर से करूँगा। तो गाइस अब इन तीनों को इन्वर्टर से करने के लिए यहाँ से जो तीनों वायर हैं, ये जो तीनों स्विच है और ये आगे वाले तीन स्विच हैं, इन दोनों के बीच में एक लूपिंग वायर है, इसको आपको काट देना है, आपको कटर से काटना है गाइस। और ये जो तीन वायर हैं इसके बीच, तीन स्विच के बीच में मैं आरी से काट रहा हूँ। दोस्तों इस तरह का काम आप घर पर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, चालू लाइन के अंदर पूरी लाइनों को ऑफ करना है, तब आपको ये सारा कुछ करना है इन्वर्टर वगैरह के काम और वर्क। और यहाँ से मैंने जो कटिंग कर दिया है, आप कटर का भी यूज़ ले सकते हैं, कैंची, कुछ भी आपकी मर्ज़ी है, यहाँ से मैंने अलग किया। इन दोनों को टच नहीं होना चाहिए गाइस, अगर टच हो गया तो आपके इन्वर्टर को भी नुकसान हो सकता है टच होने की वजह से। तो यहाँ पर मैंने जो लूपिंग थी उसको मैंने अलग कर दिया। अब क्या करना है, रेड वाले वायर को मैं बाहर निकाल देता हूँ। अब आप कहेंगे यह रेड वाला वायर बाहर निकाल देंगे तो लाइन कैसे चलेगी, यही तो बात है। तो मैं रेड वाला हटा करके ब्लू वाले वायर को उसकी जगह लगा दे रहा हूँ, क्योंकि रेड वाले वायर, ब्लू वायर और रेड वायर ये दोनों एक ही समान काम करेंगे, लेकिन जब लाइट जाएगी तो इस ब्लू वायर के अंदर इन्वर्टर की लाइन रहेगी। बस यही है, बस इतना ही फ़ायदा है इस ब्लू वायर का और कुछ नहीं है। बाकी लाइन रहेगी तो उस समय ये रेड वाला वायर का जो फेज कनेक्शन है वो भी ब्लू के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तीन वायर वहाँ उस साइड में जो तीन कनेक्शन हैं उनको आप अलग कर दें। जैसे मुझे इन्वर्टर से ये नहीं रखने हैं ये तीनों, जैसे एक स्विच, एक सॉकेट नहीं रखना है और दो लाइटें नहीं रखनी है मुझे इन्वर्टर से, तो नहीं रखना है उसको, तो आप रेड वाले से लूप कर दें। और जिनको इन्वर्टर में रखना है उसको इन्वर्टर यानी कि ब्लू वायर से लूपिंग कर दें, ये ब्लू वायर वाला इसको लूपिंग कर दें इन्वर्टर के लिए, और इसको लूपिंग कर दें आप मेन कनेक्शन के लिए। तो ये बोर्ड हो गया बिल्कुल यहाँ से फाइनल। यहाँ पर ये तीन लाइटें ये तीनों इन्वर्टर से हो गई और ये दोनों मेन कनेक्शन से रह गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब दूसरे रूम में चलते हैं। दूसरे रूम की रिक्वायरमेंट हमें क्या थी, दूसरे रूम की रिक्वायरमेंट हमें ये थी कि सारी लाइटों को एक इन्वर्टर से ही सेटअप करना है। तो वो कैसे करें गाइस, यहाँ पर सॉकेट वगैरह नहीं है इस रूम में, दूसरे वाले रूम में सॉकेट नहीं है, तो इसमें रिक्वायरमेंट है कि हम पूरे रूम के पूरी लाइटें एक इन्वर्टर के वायर से ही करेंगे। तो पूरी लाइटों को इन्वर्टर में करने के लिए बहुत सिंपल आइडिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रेड वायर को बाहर निकाल दिया, यानी कि मेन फेज वायर को बाहर निकाल दिया, 1.5 mm का वायर है वो। इसको बाहर निकालने के बाद आप ब्लू वायर को छिल करके डायरेक्टली उसकी जगह चेंज कर दें, उसकी जगह को आप बिल्कुल चेंज कर दें। जैसे आपने रेड निकाला, रेड की जगह डायरेक्टली आप ब्लू वायर लगा देंगे, तो अब यहाँ पर रेड वाला बिल्कुल यहाँ पर कार्य नहीं करेगा और कहीं पे भी इसका जॉइंट वगैरह नहीं होने वाला है। तो अब ये हो गया बिल्कुल फाइनल गाइस, यहाँ पर रेड का कोई काम ही नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं है। टेप लगा करके इसे बगल में छिपा दें, क्योंकि यहाँ पर जो रेड का काम है वो ब्लू वाला कर रहा है, और हमें पूरी लाइटों को इन्वर्टर से करना है। तो पूरी लाइटों को इन्वर्टर से करने के लिए हम डायरेक्टली रेड को हटा करके ब्लू लगा देते हैं, तो यहाँ पर पूरी जो लाइटें हैं वो इन्वर्टर से हो गई है। तीसरे रूम के अंदर हमें रिक्वायरमेंट है कि खाली सॉकेट, जी हाँ दोस्तों, खाली जो सॉकेट है इसको इन्वर्टर से रखना है, बाकी सारी लाइटों को हमें मेन कनेक्शन से, ग्रिड कनेक्शन से रखना है। तो कैसे रखें, ये जो सॉकेट देख रहे हो इसको मुझे इन्वर्टर में रखना है। इस कमरे के अंदर कोई भी लाइटों को आपको इन्वर्टर नहीं करना है, सिर्फ सॉकेट को ही करना है। तो सॉकेट को कैसे करें, आपको रेड वायर को छेड़ना नहीं है इस कमरे के अंदर, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। आपको क्या करना है कि मेन जो सॉकेट के अंदर जो लूप होया हुआ था वायर उसको निकाल देना है, और ब्लू वायर इन्वर्टर को छिल लेना है बहुत अच्छे से। छिलने के बाद आप उसको
स्विच के अंदर डाल दें, जैसे रेड वायर था वैसे ही ब्लू वायर को डाल दें। इसको अगर डाल देंगे तो ये डायरेक्टली बाईपास हो जाएगा इन्वर्टर में, ठीक है गाइस। अब ये फेज़ मिलेगा इन्वर्टर से, खाली ये सॉकेट चलेगा, बाकी ये लाइटें जो हैं ये नहीं चलने वाली। जैसे कि ये पॉइंट से ये रेड से चलेगी और पॉइंट अलग अलग के हिसाब से। इसके अंदर सिर्फ एक रेड है, ये ब्लू वायर है, पूरा कनेक्शन स्विच के अंदर डायरेक्टली है और पूरी लाइटें हमें इन्वर्टर से देखने को मिलेगी। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तीन लाइटें, एक फैन बॉक्स और दो लाइटें हैं, और यहाँ इस साइड में मेन ग्रिड लाइन है, उस वो तीन स्विचेस चलने वाले हैं। तो अब हमें चार्जिंग पोर्ट का काम करना है, न्यूट्रल फेज अर्थिंग यहाँ पर हमें देनी है। तो इसका एक अलग से बोर्ड बनता है गाइस, इसको जहाँ पर आप इंस्टॉल करते हैं इन्वर्टर वहाँ पर इसे अलग से लगाना पड़ता है। अब कहाँ पर इंस्टॉल आपको करना है, हालांकि सबसे बेस्ट होता है आप MCB बॉक्स से ही पूरी लाइनें लें, ना कि रूम से लें, ठीक है गाइस। वो हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे अलग से। तो यहाँ पर मैंने तीनों न्यूट्रल फेज और अर्थ वायर को यहाँ जॉइंट कर दिया है, इस बोर्ड के अंदर लगा दिया है। वो भी आपको पता है कैसे लगाना है, वो तो आप जानते ही हो क्योंकि आगे वीडियो में हमने बताया है आप लोगों को। यहाँ पर ये मैं लगा रहा हूँ चार्जिंग के लिए, यानी कि इन्वर्टर को जब हम चार्ज करेंगे, जैसे ये सॉकेट डाल करके हम चार्जिंग करेंगे, तो यहीं से हमें चार्जिंग करनी है इन्वर्टर को। तो इसकी वायरिंग हमें किस तरह से करनी है, ये आइसोलेटर जो आप देख रहे हैं इसको पहले आप निकाल लें। इसको निकालने के बाद जो इसकी आउटपुट साइड है, आइसोलेटर की आउटपुट साइड है, जिसमें कि आउटपुट में मैंने जो कनेक्शन दिए थे सारे यहाँ लाइटों के, उसके अंदर आपको डाल देना है इस बोर्ड के कनेक्शन। जैसे मैं ये न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल को मैं न्यूट्रल में डाल रहा हूँ गाइस। सीधा रखना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको सीधा ही रखना होगा। अगर आपने उल्टा रख दिया, वायरिंग को उल्टा कर दिया, फेज़ की जगह न्यूट्रल, न्यूट्रल की जगह फेज़, तो काफ़ी गड़बड़ हो सकती है, लाइटें खराब भी हो सकती है, जल भी सकती है, इन्वर्टर भी ख़राब हो सकता है। तो इन्वर्टर के मामले में तो लाइनें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो यहाँ पर न्यूट्रल फेज़ तो मैंने इस आइसोलेटर के आउटपुट साइड में लगाया है, इनपुट साइड में नहीं लगाया है, ठीक है गाइस। अब ये इसको वर्क करके भी देखेंगे। तो पहले हम अर्थ वाला वायर लगाएंगे। तो अर्थ वाला मैंने यहाँ पर एक कनेक्टर लगाया था गाइस, मैंने आपको कहा था जॉइंट नहीं करिएगा, क्योंकि और बोर्ड हम लगाते हैं तो बोर्ड की जो अर्थिंग होती है वो उसको फिर से टेप वो हटा करके जॉइंट करना पड़ता है। तो इस तरह का कनेक्टर या फिर MCB बॉक्स के अंदर एक कनेक्टर आता है, वो भी आप यूज़ ले सकते हैं, जैसे मैंने न्यूट्रल को कनेक्टर में यूज़ लिया था। तो यहाँ पर अर्थिंग वाला भी फाइनल हो चुका है। तो यहाँ MCB बॉक्स थे तो ये पूरा काम कंप्लीट है। ये जो बिखरी वायरिंग है इसको भी हम बताएंगे कि किस तरह से सेटअप करते हैं, अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं खाली वायरिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार वायर हो गए हैं, न्यूट्रल फेज, अर्थ और इन्वर्टर। तो अर्थिंग तो ग्राउंड में होती है, तो हम टेम्परेली इसको ग्राउंड कर देते हैं इस तरह से, न्यू टेम्परेली कर रहे हैं गाइस, इसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर न्यूट्रल और फेज, अब इन दो को कहाँ कनेक्शन करेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मर से मीटर तक जो लाइन आती है, ये जो मीटर है अभी चालू है, इसके अंदर जो लाइन आती है इससे जो आउटपुट लाइन होती है वो हमारे घर को जाती है। तो मैं न्यूट्रल और फेज, सिर्फ न्यूट्रल और फेज ना कि इन्वर्टर, न्यूट्रल और फेज मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। पहले आपको टेस्टर से ग्लो चेक कर लेना है कि फेज़ कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है। तो फेज़ जो होगा उसके अंदर तो आप रेड वायर डाल दीजिए। ये मीटर है गाइस, ये हमारे पावर ऑफ से जो मीटर आता है वो कनेक्शन है। तो यहाँ पर न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल, फेज़ की जगह फेज़, सीधा कनेक्शन आपको फाइनल कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ से हमने कंप्लीट कर लिया है काम। तो गाइस आपके सामने यहाँ न्यूट्रल फेज़ कनेक्शन होया हुआ है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आइसोलेटर को ऑन करता हूँ, सभी स्विचेस ऑन हैं, अभी परमानेंटली ऑन है। मैं इन सभी को चालू कर देता हूँ, तीनों आइसोलेटर, तीनों MCBs को मैंने चालू किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, चार लाइटें ये जल रही हैं, ये अभी ग्रिड से जल रही हैं, ये इन्वर्टर में मैंने किया ही नहीं है। और ये जो चार लाइटें एक फ़ैन है इसको इन्वर्टर में किया है लेकिन जल नहीं रही है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये दो लाइटें, ये अभी ख़राब हो चुकी है, ये सही नहीं है, सही नहीं है, ये थोड़ी बारिश के अंदर ख़राब हो गई थी। तो ये जो दो लाइटें हैं ये ग्रिड से हैं, और ये एक सॉकेट है, जैसे आप देख सकते हैं ये सॉकेट है,
ये भी ग्रिड से ही है। तो अब जो ये जल नहीं रहे हैं ये कैसे चलेगी, मतलब बिना इन्वर्टर कैसे चलाएं, क्योंकि अभी हमारे पास इन्वर्टर है नहीं और बाईपास कनेक्शन हम कैसे करें। गाइस हमारे घर में जब इन्वर्टर नहीं होता है तो हम बाईपास कनेक्शन करके चलाते हैं, जैसे कि ये पूरे घर की लाइन यहाँ से जो आ रहा है इन्वर्टर का जो भी एक एक वायर आ रहा है इसके अंदर एमसीबी के अंदर, उसमें से निकाला गया ये इन्वर्टर का वायर है जैसे कि आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसके वायर को फेज कनेक्शन में दे दूंगा। आपको अच्छे से एक बार चेक कर लेना है ये फेज है या न्यूट्रल। तो टेस्टर जहाँ ग्लो करता है वहाँ इसको सेट कर देना है, स्विच को ऑन रखना है। अब गाइस देखिएगा, जैसे ही मैं एमसीबी, ये जो एमसीबी आप देख रहे हो, इस एमसीबी में जैसे भी ऊपर करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये सारी लाइटें अभी परमानेंटली वर्क कर रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको, इस बल्ब को इन्वर्टर से किया, ये बाईपास हो गया, अभी बाईपास हो रहा है, बाईपास चल रहा है। ये सभी लाइटें मैंने इन्वर्टर से वायरिंग की थी तो ये भी अभी बाईपास में है, बाईपास मोड पर। और ये लाइट, ये लाइट, ये लाइट, ये तीनों को मैंने इन्वर्टर में किया था, अभी बाईपास मोड पर चल रहा है। इन्वर्टर इंस्टॉल कैसे करें, अपना मीटर भी पूरा कम्प्लीटली वर्क चालू है मीटर का भी। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन्वर्टर को इंस्टॉल कर लिया है, हमने इन्वर्टर लेके आ गए हैं नया। तो अब क्या करेंगे, इसका जो बाईपास कनेक्शन है इसको उठा लेंगे और इसके फेज कनेक्शन में, राइट साइड में फेज कनेक्शन में इसको दे देना है। यहाँ पर मैंने इसको दिया, यहाँ पर ये देख सकते हैं कनेक्शन पूरा रेडी है। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये चार्जिंग पोर्ट है, ये चार्जिंग पोर्ट है। जैसे ही मैं इसके अंदर डालता हूँ इस सॉकेट को, और गाइस यहाँ पर मैंने सॉकेट को डाला अंदर, स्विच को ऑन कर देना है। और जैसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ अभी देखिए आप, ग्रिड लाइन भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है अभी लाइन, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है गाइस। अभी देखा है आपने कैसे मैंने ज्वाइन किया, जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ गाइस आप देख सकते हैं जो जो इन्वर्टर से वर्क करते हैं वो सारी चीज़ें वर्क कर रही है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं वो तीन लाइटें इन्वर्टर से चल रही है क्योंकि वहाँ पर इन्वर्टर कनेक्शन है, ये चार लाइटें और एक फैन, ये भी इन्वर्टर का है, और वो एक बल्ब है वो भी इन्वर्टर का है। शुरू से वीडियो देखिएगा गाइस क्योंकि आपको समझ में आएगा। जैसे ही गाइस मैं इस इन्वर्टर की वायर को बाहर निकालता हूँ तो सारी लाइनें बंद हो जाती है। जैसे ही मैं इन्वर्टर की लाइन को अंदर डालता हूँ वैसे ही पूरी लाइटें यहाँ पर चालू हमें देखने को मिलती है। गाइस अगर आप इस स्विच को भी बंद करेंगे तब भी आपकी लाइटें सभी चालू रहने वाली है। अगर आप इस सॉकेट को बाहर निकाल देंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इस सॉकेट को मैंने बाहर निकाला, सभी लाइटें बंद हो गई जो भी इन्वर्टर से थी, क्योंकि यहाँ से जो न्यूट्रल होता है वो बाईपास होता है यहाँ से होम के अंदर। मैंने वापस लगाया सॉकेट को और डायरेक्टली हमारा लोड चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी एमसीबी भी बंद है, कोई भी एमसीबी यहाँ पर चालू है नहीं, फिर भी यहाँ पर लाइटें जितने भी रूम की है, अलग अलग रूम की जैसे हमने एमसीबी लगाई थी वही ये सारी चल रही है बिना एमसीबी के ऑन भी। अब हम यहाँ से एमसीबी को ऑन करते हैं और आइसोलेटर को ऑन करते हैं। तो आइसोलेटर को ऑन करेंगे तो जो भी ग्रिड कनेक्शन से लाइनें होंगी, जैसे मैंने आइसोलेटर को ऑन किया तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लाइन चल रही है ये अभी ग्रिड लाइन से चल रही है, जैसे कि दो ये लाइट और वो लाइट और एक सामने एक लाइट है वो भी चल रही है ग्रिड से, ये इन्वर्टर की है। और इसकी जो सारी लाइटें हैं ये सारी लाइटें ग्रिड से चल रही हैं और वो एक सॉकेट है ये वो इन्वर्टर का है। तो आपने वायरिंग देखी है। अब मैं गाइस जैसे ही इन्वर्टर की एमसीबी को ऑफ करता हूँ गाइस, तो मैंने जैसे ही इन्वर्टर की एमसीबी को ऑफ किया तो ये जो भी इन्वर्टर के कनेक्शन थे सब बंद हो गए, बाकी ग्रिड से जो चल रहे हैं वो लाइट, वो सामने वाली लाइट और बाकी ये इस रूम की पूरी लाइटें मेन लाइट से वर्क कर रही है क्योंकि अभी हमने इन्वर्टर की लाइन को कट कर दिया है। गाइस आप देख सकते हैं कि चार्जिंग मोड भी इसका चालू है, ये देखिए मेन लाइन चालू है, चार्जिंग मोड भी चालू है। जैसे ही मैं इसकी मेन लाइन को ऑफ करता हूं तो अभी आप देख सकते हैं इन्वर्टर मोड पर हो गया है। जैसे ही मैं इसे चालू करता हूँ ये वापस से मेन मोड पर आ जाएगा, ये देखिएगा गाइस, ये देखिए गाइस यहाँ पर चार्जिंग मोड भी चालू हो गया है। अब गाइस आपके सामने एक चीज और दिखाता हूँ, मैं यहाँ से ग्रिड लाइन पूरी हटा देता हूँ, यहाँ से मैं
ग्रिड लाइन पूरी हटा देता हूँ आपके सामने। अभी पूरी लाइटें अभी यहाँ पर ग्लो हो रही है। मैं यहाँ से मेन ग्रिड लाइन को हटा दिया गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी ग्रिड लाइन को हटा दिया। अब आप देख सकते हैं इन्वर्टर से जो भी चीज़ें हैं वो वर्क कर रही है। अब मैं बोर्ड के अंदर ले जाके दिखाता हूँ आपको कैसे ये वर्क कर रही है। गाइस इसके अंदर एक सॉकेट चल रहा है। क्यों चल रहा है इसके अंदर एक सॉकेट? जो ये ब्लू वाला वायर है ये हमने एक सिर्फ एक सॉकेट के अंदर दिया है, यानी कि ये जो सॉकेट के अंदर कनेक्शन है ये इन्वर्टर का वायर है ये ब्लू वाला। दूसरे कमरे के अंदर चलते हैं तो दूसरे कमरे के अंदर हमारी ये सारी लाइटें चल रही हैं, जैसे कि चारों लाइटें, फैन बॉक्स। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन कैसे किया था, मेन कनेक्शन हटा दिया था रेड वाला और यहाँ पर मैंने डायरेक्टली बाईपास कर दिया इन्वर्टर के कनेक्शन को, जिसके कारण हमारे इन्वर्टर से सारे लोड चल रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ तीन लाइटें चल रही हैं, दो लाइटें बंद हैं। तो मैंने यहाँ पर कनेक्शन कैसे किया, इसका सॉकेट भी नहीं चल रहा है तो यहाँ पर मैंने सॉकेट का कनेक्शन कैसे किया लाइन का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू वाला कनेक्शन यहाँ पर किया और तीन स्विच यहाँ पर हैं और तीन स्विच यहाँ पर हैं, रेड वाले तीन स्विच के अंदर यहाँ इस साइड में हैं और ब्लू वाले वायर यहाँ पर, यानी कि इन्वर्टर वाले यहाँ पर कनेक्शन है। गाइस एक चीज़ और समझा देता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ से न्यूट्रल जो है वो इन सभी को कैसे मिल रहा है, आपने न्यूट्रल को तो बाईपास से यहाँ मीटर में से हटा दिया है फिर भी आपका ये सारा लोड चल रहा है। तो चलिए गाइस हम समझाते हैं आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेज कनेक्शन जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ये फेज कनेक्शन इन्वर्टर के अंदर जा रहा है, एमसीबी के अंदर जा रहा है। जैसे ही मैं एमसीबी ऑफ करता हूँ गाइस, ये देखिए इस एमसीबी के अंदर जा रहा है। एमसीबी से आपको पता है कैसे मैंने कनेक्शन किया, सीधा बोर्ड के अंदर जा रहा है। और जो अब आप कहेंगे कि आपने आइसोलेटर को भी ऑफ कर दिया फिर भी इसके अंदर न्यूट्रल कैसे जा रहा है, जबकि आइसोलेटर ऑफ करने के बाद इसके अंदर आगे न्यूट्रल जाना ही नहीं चाहिए, तो न्यूट्रल कैसे जा रहा है मैं बताता हूँ। आपको पता है मैंने इनपुट साइड में न्यूट्रल को कनेक्शन नहीं किया, यहाँ जो ये जो वायर आ रहे हैं, दो वायर आ रहे हैं न्यूट्रल फेज, ये जो दो वायर हैं ये मैंने इनपुट साइड में नहीं किया गाइस, ये मैंने आउटपुट साइड में यहाँ से किया है, ऊपर वाली साइड में ये आउटपुट साइड है गाइस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक फेज तो यहाँ से मिल रहा है और न्यूट्रल हमें इन्वर्टर के थ्रू मिल रहा है, इन्वर्टर के अंदर से जैसे एक न्यूट्रल जा रहा है, ये ब्लैक वाला जो न्यूट्रल देख रहे हो, ये ब्लैक वाला न्यूट्रल सीधा हमारे इस आइसोलेटर के अंदर आ रहा है और आइसोलेटर के अंदर जो ये कनेक्शन आप देख रहे हो, ये वाले जो कनेक्शन देख रहे हो, यहाँ पर न्यूट्रल पूरे कॉमन है गाइस, सारे न्यूट्रल एक जगह पर हैं, इसके अंदर कनेक्ट है और सारे न्यूट्रल की लाइनें हमारे सारे कमरों के अंदर पहुँच रही है, इसलिए न्यूट्रल तो हमें इस सॉकेट से मिलता है और फेज कनेक्शन हमें इस सॉकेट से मिलता है। गाइस दूसरी वीडियो में मिलेंगे और हम आपको और अच्छी तरह से जानकारी देंगे इन्वर्टर के बारे में। तो बाय बाय दोस्तों, अभी फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं।